क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अब एक नया पॉइंट है कि अब मिड ईयर एक्विजिशन। अच्छा, अब तक जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें क्या था, ईयर स्टार्ट पे एक्वायर कर रहे थे या कहीं लिखा था कि 1 ईयर अगो, 2 ईयर अगो, पूरे साल की बात हो रही थी ना, कि ईयर कंप्लीट होने के बाद हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे थे। अब यह है मिड ईयर एक्विजिशन, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने एक्वायर किया। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, रीड कर लेते पहले कि ऑन May 1, 2007 के बॉट 60% ऑफ एस पेइंग बाय 76,000 कैश। द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फॉर द टू कंपनीज इज एट 30 नवंबर, ये दिया हुआ बैलेंस शीट दी हुई है। इसके बाद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट, पहले क्या था कि इन्वेंट्री, द इन्वेंट्री ऑफ एस इंक्लूड्स 8,000 ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम के एट कॉस्ट प्लस 25%। अच्छा, के ग्रुप वैल्यूज अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ द 40% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वॉज 50,000 एनसीए वैल्यू है। अच्छा, एस अर्न प्रॉफिट ऑफ 9,000 द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2007। अच्छा, पहले तो हम इसमें एक काम ये करते हैं, पर्प कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें देखिए इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, तो इसमें पर्प की कैलकुलेशन होगी, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, भैया एस द इन्वेंट्री ऑफ एस इंक्लूड्स 8,000 ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम के एट कॉस्ट प्लस 25। अच्छा, एस ने परचेज किए हैं, के सेल कर रहे हैं, यहाँ पे अब चेंज हो गया। ठीक, इसमें क्या लिखे, 8,000 है और ये कॉस्ट प्लस 25%। ठीक, 8,000 आपकी है, यहाँ पे पर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या मार्कअप दिया हुआ है ना, 25% मार्कअप है, कॉस्ट प्लस 25%, जिसमें क्या होगा, कॉस्ट आपकी 100% होगी, प्रॉफिट कितना है 25%, तो सेल्स 125% हो जाएगी ना, 5%। अब कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक कितना है, 8,000 है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और डिवाइड 125, और कितना आ जाएगा सर, बता दे जल्दी से। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, 1600 पर आ गया। ठीक है, अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, लेकिन इसमें सेल कौन कर रहे हैं, के पेरेंट ने सेल किए तो हम इसे पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बाय कौन कर रहे हैं, एस, तो इसे सब्सिडरी के स्टॉक से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, अच्छा तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम के, क्या आ गया ना, पेरेंट रिटेन अर्निंग और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एस इन्वेंटरी, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा, एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया, इसमें हमने पर्प कैलकुलेट किया। अच्छा, अब इसमें एक कैलकुलेशन और आएगी एक्स्ट्रा एडिशनल, कि जो हम वर्किंग टू करते हैं ना, वर्किंग टू, इसमें हम क्या लिखते हैं, रिटेन अर्निंग लेते हैं ना एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, अब यहाँ पे रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट कितनी है, सब्सिडरी की 69,000 है। अच्छा, एट एक्विजिशन कितनी थी, नोट्स में गिवन होता है ना, नहीं 9,000, तो अभी इसका प्रॉफिट है इन द ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन गिवन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन से गिवन थी, गिवन होती थी ना। हाँ,
तो ये मिड ईयर, तो इस समय यहाँ पे हमें रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन नहीं बताई बल्कि प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिया। तो पहले हमें इसमें अब रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। अच्छा, ये एक्वायर कब कर रहे हैं? ईयर एंड कब हो रहा है इसका? 30 नवंबर, नवंबर में ईयर एंड है 2007। एक्वायर कब किया? 1 मई 2007 को, नवंबर में एंड हो रहा है, ठीक है। तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? दिसंबर 1, नवंबर के बाद 1 दिसंबर आता है ना, 30 नवंबर को एंड हो रहा था, दिसंबर 1 को स्टार्ट होगा। अच्छा, दिसंबर में ईयर स्टार्ट हुआ, एक्वायर कब किया इसने? मई 1 को एक्वायर किया, और ईयर एंड हो रहा है इसका नवंबर 30, ठीक है। अच्छा, दिसंबर, यहाँ पर अगर हम बात करें 30 नवंबर को रिटेन अर्निंग कितनी है इसकी? ईयर एंड पे रिटेन अर्निंग है सब्सिडियरी की 69,000, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 9,000, तो रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट कितनी होगी? 60,000, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000 है ना, यहाँ नोट नंबर 3 में प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो 69 में से 9,000 लेस किए तो रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट आ गई। हमेशा ये रिटेन अर्निंग एट मई 1, एट एक्विजिशन यानी कि मई 1 को एक्वायर कर रहे हैं, तो मई 1 की रिटेन अर्निंग चाहिए आपको। अब क्या करेंगे? अब देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है आपका? 60 थोड़ी है, 9,000 है ना। अगर हम 60,000 में, अब दो तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ की रिटेन अर्निंग। अगर 60,000 में आप देखें, दिसंबर से लेके मई से पहले आता है अप्रैल, अप्रैल अप्रैल तक का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें और वो 60,000 में ऐड कर लें। देखिए, दिसंबर से अप्रैल, 30 अप्रैल, कितने मंथ्स हुए? 5। दिसंबर से अप्रैल 5 मंथ्स हुए। अच्छा, 9,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ये कितना बन रहा है? 5 अपॉन 12, 3,050। अगर आप 60,000 में इसको प्लस कर लें, अभी नहीं आ रहा क्या, ठीक है, 60,000 में अगर 3,750 ऐड करें तो कितना बनेगा? ऐड करें जरा, 63,750। अच्छा, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि आप 69,000 में से, अब देखिए मई से लेकर नवंबर तक कितने मंथ्स हुए? सेवन हो जाएंगे ना, अच्छा, तो 9,000 का इंटू 7 अपॉन 12 करें, कितना? 5,000, 5,250 आ रहे हैं। जब अगर आप 69,000 में से 5,250 माइनस कर दें तो यही आएगा, 63,750 आएगा, क्योंकि ये आपके 7 मंथ्स का प्रॉफिट है ना, 5 to 5। ये हमने 9,000 के प्रॉफिट को ब्रेक कर दिया मंथ वाइज। तीसरा, आप अपनी रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो तरीके हैं, ठीक है। 69,000 में से 5,250 माइनस करें तो ये आपकी रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन आ गई 63,750, या आप 60,000 में 3,750 ऐड कर लें तो आपके पास मई 1 की रिटेन अर्निंग आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको अब यहां से कॉपी कर लीजिएगा, ये मैंने फेयर इसको किया यहाँ पे कुछ इस तरह से, राइट। अरे, ग्रुप स्ट्रक्चर वर्किंग वन कॉपी कर लें। अच्छा, वर्किंग टू, इसमें नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आप सब्सिडियरी की शेयर कैपिटल है 40,000, 40,000 लेंगे, और रिटेन अर्निंग
एक्विजिशन पे है 69,000 और एट रिपोर्टिंग डेट हमने कैलकुलेट कर लिए, यहां से वर्किंग से ये 63,750 होगी एट रिपोर्टिंग एक्विजिशन, 63,750 रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन और 69,000 एट रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, और इसमें कुछ भी नहीं है। वर्किंग टू, वर्किंग थ्री, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इसमें पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है? अच्छा देखिए, यहां से वर्ड टर्म यूज हो रही है इन्वेस्टमेंट्स, तो इट मीन्स 98,000 सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें से कुछ अमाउंट कहीं और भी इन्वेस्ट हुआ है। तो ऊपर इसे बता दिए ना, ऑन May 1, 2007 के बॉट 60% ऑफ एस पेइंग बाय 76,000, तो सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट है 76,000 की, बाकी इन्वेस्टमेंट कहीं और है। ये हम लेंगे इन्वेस्टमेंट, पैरेंट इन्वेस्टमेंट 76,000, इसमें ऐड करेंगे एनसीआई वैल्यू, यहाँ एनसीआई वैल्यू कितनी है यहाँ पे दिया हुआ है 50,000, ठीक है 50,000 ऐड करते हैं और ये इसका टोटल आ गया। और इसमें सब नेट एसेट्स एट एक्विजिशन लेस करेंगे, तो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन हमें मिलेंगे वर्किंग टू से, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कितने 1,03,750, ये माइनस करते हैं इसमें से, आपके पास आ जाएगी गुडविल 22,250, ये गुडविल हो गई। वर्किंग फोर, एनसीआई कंट्रोल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जब एनसीआई वैल्यू एट एक्विजिशन है 50,000, इसमें ऐड करेंगे एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, इसके लिए वर्किंग टू पे चलते हैं, ये रिटेन अर्निंग का डिफरेंस निकालें कितना आ रहा है 69,000 माइनस 63,750, 5,250, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग है 5,250 और इसका कितना 40% एनसीआई को मिल जाएगा, ऐड कर लेते हैं, ये एनसीआई वैल्यू आ गई एट 52,100। वर्किंग फाइव, ग्रुप रिटेन अर्निंग, पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग कितनी है 1,89,000, इसमें ऐड करेंगे ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग 60%। अच्छा, पर्व की एडजस्टमेंट क्या होगी? हाँ, अब इसे हम क्या लिखा था, हमने पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे और सब्सिडी की इन्वेंट्री से, तब यहां से हम पर्व लेस करेंगे पेरेंट की रिटेन अर्निंग से और ये ग्रुप रिटेन अर्निंग आ जाएगी 1,90,550। वर्किंग्स कंप्लीट, अब बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 138,000 और 1,15,000, के बाद गुडविल, ठीक है गुडविल के बाद फिर ये इन्वेस्टमेंट में से आप देखें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है टोटल 98,000 की, इसमें से 76,000 सब्सिडी में इन्वेस्ट किए, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कहीं और की होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी 22,000। इसके बाद करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 15,000, तो पेरेंट्स की और सब्सिडी की इन्वेंट्री है 17,000, तब हम सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री में से पर माइनस करेंगे, ठीक है राइट, ये सब्सिडी की इन्वेंट्री से पर माइनस होगा और उसके बाद ऐड कर लेंगे। रिसीवेबल्स हैं 19,000 और 20,000, अच्छा इसमें कॉन्ट्रा तो नहीं है, कुछ इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेबल नहीं दिए ना, करंट अकाउंट बैलेंस नहीं है,
रिसीवेबल्स है 90,000 और 20,000 ऐड कर लेते हैं। के बाद कैश है 2,000, ऐसा आ गया। और ये करंट एसेट्स आ गए, अब नॉन करेंट और करंट एसेट्स को ऐड कर लेते हैं तो टोटल एसेट्स आ गए 3,68,650 के। अब इक्विटी और लायबिलिटीज, इक्विटी में हम लेंगे पेरेंट्स की शेयर कैपिटल, पेरेंट्स की शेयर कैपिटल है 50,000। के बाद ग्रुप रिटेन अर्निंग वर्किंग 5 से देंगे और एनसीआई वर्किंग 4 से आ जाएगा। इक्विटी कंप्लीट हो गई। इक्विटी के बाद लायबिलिटीज हैं, यहाँ करंट लायबिलिटीज हैं 33,000 और 43,000, दोनों को ऐड कर लेते हैं। इक्विटी और लायबिलिटीज को ऐड करेंगे तो टोटल आ गया 3,68,650। बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द इनकम स्टेटमेंट फॉर पीएनएस फॉर द ईयर एंडेड 31st August 2004 आर शोन बिलो। पी एक्वायर्ड 75% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ एस सेवरल इयर्स अगो। रेवेन्यू दिया हुआ आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एस, टैक्स बिफोर प्रॉफिट, बिफोर टैक्स, टैक्स प्रॉफिट फॉर द ईयर। Required to prepare consolidated income statement for the year. अच्छा, ये तो खास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें वही करेंगे हम, लाइन बाय लाइन बेसिस पे एड करते चले जाएंगे और कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। ठीक है, तो अब बना सबसे पहले क्या, रेवेन्यू सेल्स, पेरेंट के सेल्स हैं 1200, सब्सिडी के सेल्स हैं 400 प्लस 400, टोटल सेल्स 1600। Cost of goods sold and expenses 1,080 or 360. 1,080 plus 360 total. 1,440 cost of goods sold minus karte hain. Gross profit aa jayega 1,060. Theek hai. Iske baad ye investment income, dividend received from अच्छा ये रिकॉर्ड नहीं होगा। वही बात है कि सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया, पेरेंट्स ने रिसीव किया, तो वो कैंसिल हो जाएगा। डिविडेंड नहीं होगा, नहीं ये नहीं आएगा, डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम, वो ये ना, ये हेडिंग है, ये ऊपर हेडिंग है, और ये इनकम कहाँ से आ रही है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी। वही बात जैसे हमने वहां बात की थी, बैलेंस शीट में एक के रिसीवेबल दूसरे के पेबल कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक के इनकम, एक के एक्सपेंस, एक पे कर रहा है डिविडेंड, एक रिसीव कर रहा है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास टैक्स। टैक्स कितना है, 55 और 16, दोनों को ऐड करते हैं। 55 प्लस 16 71, माइनस करें 89, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक, जब इसकी यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे 89 का एक ब्रेकअप। अच्छा, इसमें देखिए पेरेंट्स ने कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए, 75%, 25% शेयर एनसीआई को मिलेगा, 75% पेरेंट को। अच्छा, ये जो हमने 89 कैलकुलेट है, ये ग्रुप प्रॉफिट है, इसमें सब्सिडी भी आ गई, पेरेंट्स भी आ गया ना। अच्छा, तो एनसीआई को शेयर मिलेगा 25%, वो 89 में से मिलेगा, या ये जो सब्सिडी का प्रॉफिट है यहाँ पे 24, इसमें से मिलेगा? 24 में से शेयर मिलेगा एनसीआई को, या 89 में से? 89 से। सब्सिडी, एनसीआई की इन्वेस्टमेंट कहां पर है? सब्सिडी में। तो एनसीआई को जो 25% शेयर मिलेगा, वो सब्सिडी के प्रॉफिट से मिलेगा ना। ये जो हमने 89 कैलकुलेट किया, इसमें तो पेरेंट का प्रॉफिट भी इंक्लूड है ना। पेरेंट के प्रॉफिट में से एनसीआई को कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, इसलिए सब्सिडी का प्रॉफिट है यहाँ पे 24 में से 75% शेयर एनसीआई को मिलेगा ना, इनटू 75%
कितना बन रहा है 25 बोल के साथ में लेकर 24 इनटू 25% 25% कितना बना 6। अब ये ग्रुप का प्रॉफिट कितना था 89, 89 माइनस 6 कर दें पेरेंट्स का शेयर आ जाएगा 83 और दोनों का टोटल हो जाएगा 89। तो ये हमारा एक सिंपल सा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या ऑन जनवरी 1, 2009 पी एक्वायर्ड 60% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एस। द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय पीएनएस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2009। सो रेवेन्यू आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम एस, ये भी डिविडेंड आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा इसमें एक पॉइंट अब नया है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 2009 वी हैड सोल्ड 42,000 वर्थ ऑफ गुड्स टू एस। दीज गुड्स हैड कॉस्ट पी 28,000। On 31st December 2009, S still had half of these goods in inventories at the year end. So 42,000 की goods sale की हैं parents ने subsidiary को, जिनकी cost थी 28,000 और इसमें से half goods अभी भी stock में मौजूद। तो इसका पहले तो हम यहाँ पे perp calculate कर लेते हैं, पहले ना perp की calculation कर लेते हैं, इसके बाद फिर बाकी workings करेंगे। सेल्स कितने की है, सेल्स इतने की 42,000 की गुड्स सेल की है, और की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 28,000, प्रॉफिट कितना हुआ 14,000 हो गया ना, 14,000 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा अब इसमें से अनसोल्ड अभी कितनी है, स्टिल एस स्टिल हैड हाफ ऑफ दीज गुड्स, 40,000 का हाफ मतलब 50% आ जाएगा 7,000 पर्प आपके पास आ गया, 7,000 पर्प हो गया, ठीक है। अच्छा पर्प की एडजस्टमेंट हमने क्या की थी, जो सेल कर रहा था उसके रिटेन अर्निंग से माइनस कर रहे थे और जो परचेज कर रहा था उसके स्टॉक इन्वेंट्री से माइनस कर रहे, ठीक है। अच्छा अब इन्वेंट्री से पर्प माइनस करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री से पर्प माइनस करते हैं तो आपका स्टॉक डिक्रीज होगा, तो इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, इन्वेंट्री से स्टॉक माइनस करेंगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा, तो इससे आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी ना। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा, स्टॉक डिक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 7,000 से इंक्रीज होगी, ठीक। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, जिस तरह हमने बैलेंस शीट में वो था रिसीवेबल पेबल जो कॉन्ट्रा थे उसको कैंसिल कर रहे थे ना, अगर पेरेंट्स और सब्सिडी आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से रिसीवेबल पेबल क्रिएट होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तब यहां पर क्या होगा, आप एक गुड्स सेल कर रहा है दूसरा गुड्स परचेज कर रहा है तो सेल परचेज भी तो कैंसिल होंगी, एक की सेल्स इनकम तो दूसरे के लिए वो कॉस्ट एक्सपेंस होगा, तो एक की इनकम दूसरे की कॉस्ट कैंसिल आउट हो जाएगी। तब यहां से सेल्स में से भी हम 42,000 लेस करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से भी 42,000 लेस होंगे, ठीक है। अब यहां देखें वर्किंग कुछ इस तरह होगी, अब पेरेंट्स की सेल कितनी है 630। अच्छा पेरेंट्स ने सब्सिडी को गुड सेल की है ना 42,000 की, तो 42 हम पेरेंट्स की सेल्स में से माइनस करेंगे और फिर इसमें सब्सिडी की सेल्स को 60 ऐड हो जाएंगी, ठीक, ये पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पेरेंट की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 210, तो सब्सिडी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐड करेंगे 105, सब्सिडी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है लेकिन इसमें से आप अपने परचेजेस 42,000 की माइनस करेंगे 42, ठीक है। पैरेट की सेल सब्सिडी के लिए परचेज तो ये माइनस हो गई
और सेकेंड ये जो हमने पर्प यहाँ कैलकुलेट किया 7000 का, पर्प हमने कैलकुलेट किया, तो पर्प का ट्रीटमेंट क्या होगा? इसे हम सब्सिडी के स्टॉक से माइनस करेंगे ना, इन्वेंट्री से, तो सब्सिडी की इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, तो इससे सब्सिडी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हम सब्सिडी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पर्प ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब बताएं सेल्स की फिगर कितनी है? 848 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 280, और ग्रॉस प्रॉफिट 568, ठीक है। अच्छा, पर्प का ट्रीटमेंट यहाँ क्लियर हो गया। ये बैलेंस शीट बनाते हुए हम इसे क्लोजिंग स्टॉक से लेस कर रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। एक सर इन्वेंटरी से डिक्रीज होता है, हाँ, और दूसरा किसमें ऐड होता है? कहाँ पे? हाँ, बैलेंस शीट में तो हम ये करते थे कि रिटेन अर्निंग से माइनस कर रहे थे और इन्वेंट्री से माइनस कर रहे थे, जो सेल करेगा उसकी रिटेन अर्निंग। जैसे यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन 11 की, तो पेरेंट्स ने गुड सेल किए, तो बैलेंस शीट बनाते हुए हम पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग से लेस करेंगे, और सब्सिडी गुड्स बाय कर रहे हैं तो सब्सिडी के स्टॉक से माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सब्सिडी का स्टॉक डिक्रीज होगा तो उससे सब्सिडी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ 7 ऐड किया, ठीक है। और 42 जो है वो इंट्रा ग्रुप बाइंग सेलिंग थी, तो एक की सेल से माइनस करेंगे, दूसरे की परचेस या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से माइनस कर। क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 90 और 30, यहां लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 90 प्लस 30, 120 हो गए टोटल। एडमिन एक्सपेंस 60 और 45, 60 प्लस 45 105, आपको लेस करते हैं यहां से 343 प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। जिसके बाद टैक्स है, ये है इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम एस, ये नहीं लेंगे, ठीक है। टैक्स माइनस होगा 65 और 13, 65 प्लस 13 78, टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा 265, ठीक है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, अब एनसीआई को, तो पेरेंट्स ने 60% शेयर एक्वायर किए, एनसीआई के शेयर है 40%, तब यहाँ पर देखिए सब्सिडी का प्रॉफिट कितना है 67, तो 67 का 40% एनसीए को मिलेगा 26.8, और अब ग्रुप प्रॉफिट है 265 माइनस करेंगे 26.8, 238.2, ठीक है, और इसका टोटल बन जाएगा 265। कॉपी कर लें।